वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जिनको आप पानी में लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, और इनको लगाना बहुत ही आसान है। बस आप इनकी कटिंग लेनी है आपको और इनको पानी में रख देना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे 10 प्लांट्स आपको बताऊँगी जिनको आप पानी में लगा सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्लांट है ये है कनेर। कनेर की भी आप 3 से 4 इंच की कटिंग ले, ये भी अलग अलग रंगों में आता है तो बहुत आसानी से ये वाटर में लग जाता है। इसकी छोटी छोटी आप रूट्स देख सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए अभी इसमें छोटी छोटी रूट्स आना शुरू हो गई है और ये भी बहुत आसानी से 6 से 7 दिन में इसकी रूटिंग बनना शुरू हो जाती है। ये देखिए इसकी छोटी छोटी रूट्स कटिंग से पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर में आती है, पिंक कलर में, येलो में, वाइट कलर होते हैं इसकी। तो ये तीनों कलर की आप कटिंग ले और आसानी से पानी में से लगा दें। इसकी 3 से 4 इंच की बस जितनी मैंने कटिंग ली हुई है, तो इतनी कटिंग लेकर इसको पानी में रख दें और पानी आपको 5 से 6 दिनों बाद इसका चेंज करना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। ये मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था, अभी तो इसकी रूटिंग नहीं आई है, लेकिन इसकी रूटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप इसको पानी में ग्रो करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आनी पड़ती है अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं, तो आप इनको कटिंग से आसानी से मिट्टी में अगर आप कटिंग से लगाते हैं पानी में, तो पानी में रूटिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है, फिर आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। और दूसरा ये टिप है, अगर आप इसको एज अ डेकोरेशन के लिए जो कांच की बोतल में रखते हैं तो उसमें भी बहुत आसानी से ये चल जाती है। इस पे कुछ पिंक पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो अगर आप पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और मिट्टी में भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो दोनों तरीक़ों से आप ग्रो कर सकते हैं जैसा आप चाहें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। इसकी कोई भी वेराइटी आप ले लें, इसको पानी में आप लगा दें, पानी में तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसको बोतल में लगाएं, जैसे मैंने बोतल ये ले रखी है, तो बोतल में भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी बेल बनना शुरू हो जाती है फिर अगर आप इसको बोतल में लगाते हैं। ये मैंने गिलास में रखी हुई है और इसकी रूटिंग आपको दिखा देती हूँ। देखिए रूटिंग कितनी सारी इसकी रूटिंग हो चुकी हैं। ये इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, कम से कम इसको 30 दिन से भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसकी रूटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको अलग अलग करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसकी जो कटिंग है अगर आप इसे लगाते हैं तो 5 से 6 दिन में इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको छोटी छोटी कटिंग से लगाते हैं। तो इसे भी ये जो लगाना है बहुत आसान है, बस आप इसको छोटी छोटी कटिंग से लगा दें। कोई भी अगर आपके पास वेराइटी है, पोथोस भी है, तो कोई भी वेराइटी अगर आप लें तो उसको पानी में लगा सकते हैं। तो किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सभी वैरायटीज पानी में चल जाती है। तो इसे भी लगाना बहुत ही आसान है, इसे आप इंडोर रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, तो बहुत आसानी से चल जाता है ये भी प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्रोटोन। इसकी बहुत सी वैरायटीज आती है, इसकी छोटी छोटी रूट्स में आ चुकी हैं अभी, और ऊपर वाली साइड भी इसकी रूट्स हैं वो आ रही हैं, ये देखिए। तो इसकी रूट्स आना अब शुरू हो चुकी हैं। ये मैंने थोड़े दिन पहले ही रखी थी इसकी कटिंग, ये देखिए बहुत आसानी से इसकी भी रूट आ जाती हैं, छोटी छोटी रूट्स आना शुरू हो चुकी हैं इसकी, ये देखिए। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों तरीकों से आप इसे रख सकते हैं। और इसकी दूसरी जो वैरायटी है जो थोड़ी बिग लीव्स वाली होती है, वो भी आप पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी वैरायटी इसकी चल जाती है अगर पानी में आप लगाते हैं, तो इसे भी लगाना बहुत आसान है, इसे भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि हमें मिट्टी है जो लेकर आनी पड़ती है, हमें खाद भी डालनी पड़ती है, तो बहुत सारी जो हमें जो मिक्सचर है मिट्टी का वो तैयार करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, या फिर कुछ आप प्लांट्स लगाते हैं मिट्टी में डायरेक्ट लगाते हैं तो जो कटिंग है वो सूख जाती है, लेकिन अगर आप उसे पानी में ग्रो करके फिर मिट्टी में लगाएं तो कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है, क्योंकि पानी में रूटिंग है जो बहुत ही जल्दी हो जाती है कटिंग्स की। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है तुलसी जी, बेसिल प्लांट से कहते हैं। तो इसको भी आप वाटर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चल जाती है, इसकी रूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। जब इसकी रूटिंग हो जाए फिर आप इसको मिट्टी के बर्तन में लगा दें, तो मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छे से चलती है। तो इस तरीके से आप तुलसी जी को भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, वास्तु प्लांट भी है एक, और हर घर में ये लगाना चाहिए। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पेडीलेंथस का प्लांट, इसकी भी मैं आपको रूटिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए रूटिंग इसकी बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग हुई है पानी में। तो ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छे से चल जाता है। इसकी ये वेरीगेटेड वेराइटी है, इसकी एक ग्रीन कलर की वेराइटी भी आती है जिसमें सिर्फ ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं। तो दोनों वेराइटी आप पानी में लगा सकते हैं। ये मैंने मिट्टी में लगाया था तो मिट्टी में भी बहुत अच्छे से चल गई और पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग हुई है। देखिए कितनी हार्ड इसकी रूटिंग है। तो दोनों में आप इसे लगा सकते हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से चल जाती है ये। इसकी न्यू न्यू लीव्स आ चुकी हैं। तो इसकी दोनों वेराइटीज़ को आप पानी में लगा सकते हैं। इसकी ग्रीन वाली वेराइटी होती है वो भी आप पानी में लगा दें तो वो भी चल जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट चलता है, तो वैसे ही सिंगोनियम की कटिंग चल जाती है पानी में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूटिंग्स होती हैं। ये देखिए छोटी छोटी रूट्स। और जो ये मैंने प्लांट बनाया था ये भी मैंने पानी में रख के प्लांट बनाया था, और इसको भी मैंने इसकी नई नई अब लीव्स जो है ये कटिंग्स रख दी हैं, तो ये भी पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। इसकी मैंने कल ही परसों एक जो लगाई थी ये रूटिंग रखी थी, उसमें ये वाइट वाइट कलर की कुछ छोटी छोटी रूटिंग्स आना शुरू हो गई है। तो ये भी बहुत आसानी से चल जाता है, 6 से 7 दिनों में इसकी रूटिंग्स आ जाती हैं बहुत आसानी से। ये प्लांट ये भी चल जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। इनडोर आप इसे रख सकते हैं ब्राइट लाइट में, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी बेल बनना शुरू हो जाती है अगर आप इसे आउटडोर रख देते हैं। तो इसकी मैंने बेल्फों में भी इसको लगाया हुआ है और इनडोर भी मैंने इसको रखा हुआ है। तो दोनों तरीक़ों से आप जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसके लीव्स होते हैं और इसकी भी बहुत सी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। पिंक लीव्स वाली भी होती है इसकी वैरायटी, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। इसको भी लगाना बहुत ही आसान है, इसको मैंने पानी में रखा था और इसकी आप रूटिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग हुई है। बस आपको सिर्फ इस तरीके से आपको इसकी कटिंग नीचे से करनी है, और इस तो आपको इस तरीके से कट करनी है, ये कटिंग लीफ को, लीफ की ये कटिंग करनी है इस तरीके से, और इसको पानी में रख देना है। इसकी थोड़ा लेट रूटिंग होती है, लेकिन इसमें इसकी कटिंग जो रूट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये मैंने दिखा दिया है, आप थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन रूट्स आसानी से आ जाती हैं। 1 महीने का टाइम इसको लग जाता है। तो ये मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया कि रूट्स इसमें आ जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गेंदा। गेंदा भी बहुत आसानी से कटिंग से लगने वाला प्लांट है। इसको मैंने मिट्टी में भी लगाया था, तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और इसमें मिट्टी की जो रूटिंग है वो भी बहुत अच्छे से आई है। इसकी जो रूटिंग है वो बहुत भर भर के आती है, चाहे आप इसे पानी में लगा दें या मिट्टी में लगा दें। तो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में इसके फ्लावरिंग है जो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे आते हैं इसके जो फ्लावर्स सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों वाला ये प्लांट है। लेकिन बहुत से प्लांट गर्मियों वाले भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसको कटिंग से अभी से लगा दें तो बहुत ही अच्छे से चल जाएगा, और सर्दियों में आपको बहुत सारे फूल देगा ये प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ड्रेसिना। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी मैंने अभी 2 दिन पहले ही कटिंग रखी है, तो अभी तो इसकी रूटिंग नहीं आई है, लेकिन जब भी जो भी मैंने प्लांट्स बताया जिनकी रूटिंग नहीं आई है, तो उनकी भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी जब उनकी रूटिंग आ जाएगी। लेकिन इन प्लांट्स को आप लगा सकते हैं आसानी से कटिंग से और पानी में लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। सभी प्लांट्स को आपको इनडोर रखना है, यानी छांव में रखना है, शेडी एरिया में, क्योंकि शेडी एरिया में जो प्लांट्स हैं वो सूखते नहीं हैं और धूप में सूख जाते हैं प्लांट्स की जो कटिंग है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी कटिंग लगाएं तो इनडोर शेडी एरिया में रखें। जब इनके रूट्स आ जाएं तो आप इनको मिट्टी में लगा सकते हैं, या फिर आप डेकोरेशन के लिए आप इन्हें इनडोर ही रहने दें, और अच्छे से जो पॉट में आप रख सकते हैं, कांच की बोतल में आप इनको रख सकते हैं अगर आप इन्हें एज अ डेकोरेशन के लिए रख रहे हैं।
तो अगर आप इन इसमें रूटिंग आ जाती है मिट्टी में लगाती हैं, तो मिट्टी में आप इसको फिर धूप में रख सकते हैं जो जब। ओके गाइस, तो ये थे ऐसे प्लांट्स जिनको आप पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सभी प्लांट्स को आप पानी में जरूर लगाएं, वाटर। तो आप दोनों तरीक़ों से इन्हें रख सकते हैं, या तो आप जब इनकी रूटिंग आ जाए इनको मिट्टी में लगा दें, या फिर आप इनको ऐसे ही रहने दें जैसे मैंने बोतल में लगाया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी इंडोर एज अ ब्यूटी के लिए, क्योंकि रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर इसकी थोड़ी सी और लीव्स आ जाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो सभी प्लांट्स मैंने बता दिए हैं, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आप कटिंग से एक पानी में ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी मैं प्लांट्स आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगता है। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है, डाउट है कोई भी प्लांट्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो ये सभी प्लांट्स आप जरूर लगाएं। ओके गाइस।